Assalamu alaikum students. Today we will read Ideas That Have Helped Mankind by Bertrand Russell. Before discussing the ideas that have helped mankind, Russell discusses what do we think as a help. Since we are going to read out the ideas जो कि Russell के according हैं, ऐसे ideas जिन्होंने mankind को help out किया है, तो इससे पहले कि वो उन आइडियाज़ की तरफ हमें लेकर जाए, उसका जो कुछ पोर्शन है इस ऐसे का, वो हमें ये बताएगा कि इस जो आइडियाज़ ने जो हेल्प किया है मैनकाइंड को, उस हेल्प से हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हेल्प, हम क्या सोचते हैं इस हेल्प के बारे में, किस किस्म की हेल्प के बारे में हम सोचते हैं. तो उसने इसके लिए तीन चीज़ें हमें बताई हैं. वो तीन हेल्प्स जो हैं वो हमें वो ये समझ रहा है कि हमारे जहन में हो सकती हैं. नंबर वन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैनकाइंड, मींस मोर पॉपुलेशन मींस मोर हैप्पीनेस, ज़्यादा लोग ज़्यादा खुश. हिज अथॉरिटी अगेंस्ट अदर एनिमल्स के ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको एनिमल्स के ऊपर एक कंट्रोल हो जाता, एक अथॉरिटी मिल जाती, तो इसलिए वो ज़्यादा खुश हो जाते. तो इस तरह से उसको हेल्प मिली है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम लोगों को पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना चाहिए. तो ये एक आइडिया था जिसकी वजह से उनको हेल्प मिली. नंबर टू, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये एक जो एक्सपीरियंसेस थे, ये एक आइडिया जो ह्यूमन बींग्स को देते थे वो क्या था, अवेलेबल टू मैनकाइंड जितने भी एक्सपीरियंसेस थे, उनके पास्ट के थे, प्रेजेंट के थे, उनके एज फेलोज़ के थे, जो भी लोग थे उनके इर्द गिर्द, उन सब के जो एक्सपीरियंसेस उन तक पहुंचते थे इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़, तो दे मेड मैन हैप्पी. ये रसल का ख्याल है. नंबर थ्री इज़ इंक्रीज़ इन नॉलेज, कि इंक्रीज़ इन नॉलेज, मोर नॉलेज मेक्स मैन मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स ईच अदर, के ज़्यादा खुश होगा आदमी जब वो ज़्यादा फ्रेंडली होगा टूवर्ड्स ईच अदर. और ज़्यादा फ्रेंडली कब होगा, जब वो उसको ज़्यादा पता होगा एक दूसरे के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, रिस्पॉन्स के बारे में, एक दूसरे की नेचर के बारे में, साइकी के बारे में, तो वो ज़्यादा नॉलेज की वजह से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा और उससे ज़्यादा इंसान जो है वो खुश भी हो जाएगा. और दिस प्रॉबली हैज़ मेड मैन हैप्पी, और दिस प्रॉबली हैज़ हेल्प्ड मैन. तो ये कुछ उसने हमें चीज़ें बताई हैं. और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, दैट रसल पुट्स क्वेश्चंस, रसल पुट्स हाइपोथेसिस, सो ही पुट दीज क्वेश्चंस एज हाइपोथेसिस, मेक्स साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हिस्ट्री इन द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर. उसने हमें हिस्ट्री के बारे में भी बताना है, प्रेजेंट के बारे में भी बताना है, और उसके बाद उसने हमें फ्यूचर के बारे में बताना है टू जस्टिफाई दैट आइडियाज़, देयर आर सम आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड. ये हमें सब बताने के लिए वो सब चीज़ें क्रिटिकली एनालाइज करने जा रहा है जी. सबसे पहले उसने जो तीन हाइपोथेसिस हमें दिए हैं विद रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ हेल्प, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्प के हवाले से जो उसने हमें तीन चीज़ें बताई हैं, तो अभी वो पहले उनको क्रिटिसाइज करेगा, उनको क्रिटिकली एनालाइज करेगा. उनमें सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ मैनकाइंड, कि वो किस तरह से जो है उस हेल्प कर सकता है मैनकाइंड को. तो उसने कहा कि इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैन वॉज अ रेयर स्पीशीज़, और ये तो एक फैक्ट है कि जब इंसान बहुत थोड़े हुआ करते थे, तो हम सबको पता है कि हज़रत आदम अलैहि सलाम और हज़रत हव्वा अलैहि सलाम से ये दुनिया चली है, एडम एंड ईव से. तो इन द बिगिनिंग तो देयर वर टू, तो उसके बाद फिर उनसे जनरेशन्स बनती चली गई, लोग बनते चले गए, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली गई. तो शुरू में क्या था, शुरू में मैन वॉज अ रेयर स्पीशीज़, तो जब वो रेयर था तो ही वॉज़ अफ्रेड टू बी एक्सटिंक्ट, कि ख़त्म हो जाएगा. जैसे हम लोग कहते हैं जब रेयर होना शुरू होती है कुछ स्पीशीज़, कुछ एनिमल्स की, कुछ बर्ड्स की, तो फौरन जो वाइल्ड लाइफ सेवियर्स हैं वो आ जाते हैं और वो सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए. जैसे कि अभी इस वक्त डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. लिविंग अ हार्ड लाइफ इन केव्स इन फॉरेस्ट, जो आदमी था, जो इंसान था, वो उस वक्त केव्स में रहता था, फॉरेस्ट में रहता था, और एक हार्ड लाइफ जो है वो गुजार रहा था. With a little amount of food, खाने को बहुत कम था, along with the fear of beasts and strangers, उसको ये भी खौफ था कि जानवर उस पर आकर हमला कर दें, या strangers, ये तो हम सबको पता है कि ये एक ancient
इमेजिनेशन है, एक एंशियंट कॉन्सेप्ट है कि जो भी स्ट्रेंजर है वो हमेशा आपको आकर मार ही देगा, वो हमेशा हार्मफुल होगा वो आपके लिए. तो इस किस्म के खौफ जो थे उनके अंदर मौजूद थे. एंड विदाउट अ नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग हेयर एंड नील्स, और जिस तरह एनिमल्स के अंदर लॉन्ग हेयर होते थे, नील्स होते थे जो उनको प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट कोल्ड वेदर एंड एनिमल्स, वो इंसान के पास नहीं थे. फिर कैसे इंसान ने इतने सारे जो वर्स सर्कमस्टांसिस थे और एडवर्स सर्कमस्टांसिस थे उसमें इंसान कैसे सरवाइव किया, और उसके जो सर्वाइवल है उसमें अकॉर्डिंग टू रसल वो क्या था, पावरफुल एंड क्यूमुलेटिव आइडियाज़ हेल्प्ड हिम इन ऑल सच सर्कमस्टांसिस, कि इंसान जो है वो इस काबिल हुआ कि वो सर्वाइव कर सके थ्रू ऑल दीज एडवर्स सर्कमस्टांसिस. ये उसके पावरफुल और क्यूमुलेटिव आइडियाज़ थे. रसल इज़ नॉट श्योर दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेड मैन हैप्पी. ये रसल का अपना ख्याल है कि हो सकता है कि इंसान पॉपुलेशन इंक्रीज से बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो, बट ही सेज दैट आइडियाज़ मेड मैन स्किल्ड, कि जो आइडियाज़ थे उसके जहन में आए कि केज इन फॉरेस्ट में किस तरह से रहना है, बीस से कैसे बचना है, स्ट्रेंजर से कैसे बचना है, फूड कैसे हासिल करना है, तो ये जो आइडियाज़ थे दे मेड मैन स्किल्ड. इंसान को ज़्यादा ज़्यादा नई बातें आने पता लगने लग गई, बहुत सारे नए काम करने लग गया. हिज फोर थाट फोर साइट एंड प्लानिंग helped him learning many things which became the foundations of technology in later times. ये हम कह सकते हैं कि रसल ने हमें ये बताया है कि आज के जो टेक्नोलॉजी है उसकी फाउंडेशन वो आइडियाज़ हैं जो कि उस वक्त जो एंशियंट मैन था उसके दिमाग में आए थे. सो इस तरह से ह्यूमन बींग्स को आइडियाज़ ने हेल्प किया. नेक्स्ट, रसल क्रिटिसाइजेस मैंस फोरसाइट एंड मेमोरी आल्सो. उसने कहा कि इंसान को फोरसाइट भी मिल गई, उसको मेमोरी भी मिली हुई थी, लेकिन उसको क्रिटिसाइज वो कैसे कर रहा है. उसने फर्स्ट ही कंपेयर्स हिम विद बर्ड्स हु लैक बोथ दीज थिंग्स, कि बर्ड्स के अंदर फोरसाइट भी नहीं होता, मेमोरी भी नहीं होता, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि समर में उनके पास बहुत सारा खाना है और विंटर्स में नहीं होगा, एंड दे डाई ऑफ स्टारवेशन इन विंटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड एक्सेप्ट फॉर द माइग्रेटिंग स्पीशीज़. बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर इन बॉर्न ये चीज़ सेंस होती है कि वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट टू बर्ड्स हॉट और वार्म रीजन्स. देन ही क्रिटिसाइजेस मैन दैट मैन मोर देन बर्ड्स डाई ऑफ स्टारवेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग गुड इन मेमोरी फोरसाइट. यानी मेमोरी भी है फोरसाइट भी, इसके बावजूद इंसान तो है वो, उसको तो फिर नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि बर्ड्स में हमने तो ये देखा कि लैक ऑफ फूड उनकी जो रीज़न होती है विंटर में उसकी वजह से वो मर जाते हैं, तो क्योंकि उनके पास फोरसाइट नहीं थी मेमोरी नहीं थी, तो इंसान के पास तो ये दोनों चीज़ें हैं, फिर वो क्यों मर रहा भूख से. अब उसमें उसने कहा ही सेज दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ सम आइडियाज़ विच कॉज लॉन्ग मिजरी एंड एप्रीहेंशन ऑफ द विक्टिम, कि जो ये स्टारवेशन है जब इसको हम हिस्टोरिकली इसको हम एक्सेस करते हैं, हिस्टोरिकली हम इनको देखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे आइडियाज़ मौजूद हैं कि जिनकी वजह से जो लोग उस स्टारवेशन से भूख से मर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है मिजरीज की, और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्टिफिशियली एक क्रिएट कर रहे हैं उस स्टारवेशन को, क्योंकि उनके लिए वो जो मर रहे हैं दे आर द विक्टम्स. तो ये जो एक एप्रीहेंशन है ये चीज़ उसने हमें बताई है, और 1942 में हमने इसको एक्सपीरियंस किया. रसल ने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि 1942 में बंगाल में एक बहुत बड़ा फैमिन आता है. अगर आपको याद हो तो आपने सेकेंड ईयर के एसएस में ये पढ़ा था, हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में. तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि 1942 का जो फैमिन आया था दैट वाज अ मैन मेड मैन कॉज्ड मैन क्रिएटेड फैमिन. तो उसमें बहुत सारे लोग उनकी डेथ्स हुई थी, इट किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल. तो ये सब चीज़ें जो है वो रसल हमें बता रहा है, और उसका हमें हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस भी है.
Man not only suffers from actual evils but also from apprehended ones which result in worry, in unhappiness. ये रसल ने हमें बताया और हमने इसको देख भी लिया है कि बहुत सारी जो नेचुरल ईवल्स होते हैं, एक्चुअल ईवल्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे ईवल्स ऐसे होते हैं कि जो इंसान की अपनी वजह से हो रहे होते हैं. तो ये समझ लीजिए कि जो रसल जितनी भी बातें कर रहा है वो सारी बातें करने के बाद वो एक ही पॉइंट को कंक्लूड करेगा जो कि हमने इसके बहुत शुरू के एसेस में भी हमने पढ़ा था, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था इसको. तो वो चीज़ें आप समझ लीजिए कि उसकी तरफ जा रहा है जी. इन केस ऑफ वराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, अब वराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है जी. वराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस में आइडियाज़ कैसे हेल्प आउट करते हैं मैन को. रसल पॉइंट्स आउट दैट मैन लर्न्स दैट सम थिंग्स मे मेक हिम हैप्पी, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, पोइट्री, गेम्स, ड्रिंक एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो हैं इंसान ने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं. उसको पता है कि आग गर्म होती है उसको जला देगी, एक्सपीरियंस से सीखा उसने. उसको पता है कि ऊपर से छलांग लगाएं नीचे गिरे आप मर भी सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है, एक्सपीरियंस से सीखा है. उसको पता है कि जब वो बहुत टेंस होता है वो म्यूज़िक सुनता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है. जब इंसान बहुत परेशान होता है, वरिड होता है, तो वो ड्रिंक करता है तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून आता है. तो ये सब चीज़ें उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं. तो ये उसने जो ड्रिंक की बात है, इट वेरीज़ फ्रॉम रिलीजन टू रिलीजन. तो आगे चलते हैं जी. और ये एनिमल्स के नॉट इन्जॉय दीज थिंग्स, और एनिमल्स जो हैं वो म्यूज़िक, पोइट्री, गेम्स. अभी और चीज़ है कि आप टेम करते हैं एनिमल्स को तो वो आपको म्यूज़िक के ऊपर डांस करके भी दिखा देते हैं, बट एनिमल्स के नॉट इन्जॉय दीज थिंग्स, वो म्यूज़िक को इन्जॉय नहीं करते, बस उनको ये पता होता है कि उन्होंने इसके ऊपर क्या मूवमेंट करनी है. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर इमोशंस, रादर मैन इज़ एबल टू डू इट. मैन को पता है वो बोर हो रहा है, मैन को पता है वो इससे खुश हो रहा है, मैन को पता है वो एक्साइटेड हो रहा है, मैन मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. रसल कंक्लूड्स, अब ये सारे उसने जो बात हमें शुरू में की थी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है हेल्प का, तो वो सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद रसल कंक्लूड क्या करता है इन दिस रिस्पेक्ट, दैट दीज आर इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज़ ओनली अचीव्ड थ्रू मैंस रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ विच हेल्प मैन टू बिकम हैप्पी. कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज़ हैं, यानी कि ना तो ये है कि आपका नंबर इंक्रीज़ कर जाए और ना ही ये है कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखें और उससे आप जो है वो आपको हेल्प मिल जाती है. ये सारी चीज़ें करने के बाद उसने ये इस चीज़ को कंक्लूड किया कि जो आपके आइडियाज़ से आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही होती हैं, दे एक्चुअली हेल्प mankind to become happy in many ways. Russell says that more knowledge makes men more friendly towards others but only in a particular sphere. अब ये रसल ने साथ ही साथ क्रिटिसाइज भी कर दिया. उसने कहा कि हमें ये बात पता है कि जब आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं आप ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं टूवर्ड्स अदर्स, लेकिन क्या होता है कि वो जो टूवर्ड्स अदर्स होता है वो सिर्फ आपके अपने फ्रेंड सर्कल होता है, आपकी अपनी फैमिली होती है, आपके अपने जो लोग होते हैं जिनके साथ आपका ताल्लुक़ होता है, वो इमोशनल हो, फिज़िकल हो, जैसा भी हो, वो आपका एक लिंक होता है, वो रिलेटेड लोग होते हैं जिससे आप फ्रेंडली हो जाते हैं. जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके साथ जो है वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो सकता. और उसने कहा कि रसल क्रिटिसाइज़ दैट हिज इंटेलिजेंस इनेबल्स अ मैन टू कॉज मोर हार्म टू दोज हु आर आउटसाइड ऑफ दैट स्फीयर. और वो किसी भी तरह से हो सकता है, आप किसी के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब से अटैक कर दें रातों रात, तो ये भी आपके इंटेलिजेंस ने आपको सिखाया है. अगर इसी तरह से आप एक फैमिन जो है आर्टिफिशियल फैमिन कॉज कर देते हैं तो ये भी आउट ऑफ योर इंटेलिजेंस है. और इसी तरह से अगर आप किसी भी इंसान को इंडिविजुअली या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आप हार्म कॉज करते हैं तो दैट इज़ आउट ऑफ इंटेलिजेंस. लेकिन उसमें क्या है, ओनली फॉर दोज हु आर आउटसाइड ऑफ दैट स्फीयर, के जो आपके फ्रेंडली नहीं है, यानी आपसे जो जिनसे आपको कोई तकलीफ है, सिर्फ आप उनको ही जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहेंगे. अब आप ये देख लीजिए कि एक शख्स जो ड्रग स्मगलर है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे उसके ड्रग्स लें, वो ये ज़रूर चाहेगा कि बाकी सारी दुनिया के बच्चे जो हैं वो एडिक्ट हो जाएं और वो ड्रग्स लेने शुरू कर दें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके अपने बच्चे, अपने बहन भाई, यानी उसके अपने फ्रेंड्स जो हैं वो उससे अफेक्ट हों.
तो ये चीज़ हमें रसल बता रहा है। साइमल्टेनियसली ही गिव्स अस अ होप, साथ ही साथ हमें पता है कि पॉजिटिव है। तो उसने हमें बताया दैट अ टाइम मे कम व्हेन मैन विल बिकम ह्यूमेन एंड फ्रेंडली टू दोज हु ऑल्सो हु आर आउटसाइड दैट पर्टिकुलर स्फीयर, के हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पिए, हो सकता है कि दो ऑपोजिट सोच के लोग इकट्ठे बैठ जाएं और मज़े भी करें, और ये भी हो सकता है कि इंसान जो है वो अपने दुश्मन के साथ बैठकर अपने मज़े से अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हो, और वो ये उसी वक्त हो सकता है कि जब उसके अंदर ये चेंज आएगा। वो चेंज कब आएगा ये अब आगे रसल हमें इसकी तरफ लेकर जा रहा है जी। आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, रसल स्टार्ट्स विद दिस डॉक्यूमेंट ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अब जब उसने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हेल्प का, हैप्पीनेस का, कि किस तरह से इंसान हेल्प कर सकता है दूसरों को खुश होने में या दूसरों को तंग करने में, तो उसके बाद रसल जो है वो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसका, उन आइडियाज़ के बारे में उसको डिस्कस करता है। अब वो ये कहता है कि दीज आइडिया, ही डिवाइड्स दीज आइडियाज़ इंटू टू कैटेगरीज, कि आइडियाज़ टू टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर वन, आइडियाज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने मतलब जब से इंसान पैदा हुआ है उसके पैदा होने से लेकर आज तक, यानी क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड से लेकर आज तक, ऐसे आइडियाज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, के जिनकी वजह से नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी जो है फ्लरिश किया है। नंबर टू, आइडियाज़ दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, और ऐसे आइडियाज़ जिनकी वजह से आपके मॉरल्स और पॉलिटिक्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है, ऐसे वो आइडियाज़। ये दो कैटेगरीज़ उसने हमें बताई हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहा है, आइडियाज़ और नॉलेज एंड टेक्निक, कि जो टेक्निक और नॉलेज बेस्ड आइडियाज़ हैं वो क्या कर सकते हैं, वो कौन से हैं, किस किस्म के हैं, और उनका क्या इफ़ेक्ट है ह्यूमन बींग्स पे, और वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं मैनकाइंड को, और क्या वो हेल्प कर रहे हैं, ये भी रसल ने इसमें हमें क्लियर किया है। रसल डिस्कसेस द आइडियाज़ इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स एज फॉलोज, वो ये अब शुरू से हमें आइडियाज़ बताने लगा जी, शुरू में क्या थे, उसके बाद क्या थे, बाद में क्या थे, अब क्या है। रसल डिस्कसेस द आइडियाज़ इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स एज फॉलोज, यूज़ ऑफ फायर, जिसमें अगेंस्ट फिरोशियस एनिमल्स एज वेल एज टू कुक फूड, कि इंसान यूज़ करता था फायर को, और आपको पता है कि एक्सीडेंटली उसने डिस्कवर किया था फायर को, और फिरोशियस एनिमल्स यानी कि जो भी अटैक कर सकते थे उनको, उनको डराने के लिए, उनको भगाने के लिए आग, आज भी आपने देखा होगा अक्सर ज्योग्राफिकल चैनल्स पर आपको दिखाया जाता है कि रात के वक्त जो है वो आग जलाई जाती है अपने इर्द गिर्द, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं आप उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। एज वेल एज़ द फायर वॉज यूज टू कुक फूड, फिर उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ये आइडियाज़ थे। यूज़ ऑफ लैंग्वेज का आइडिया आया टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज़ टू मेक आइडियाज़ कन्वे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज वेल एज़ टू नेक्स्ट जनरेशंस, कि एक तो कम्युनिकेशन की जा सके, दूसरा जो आइडिया एक बंदे के दिमाग में है वो दूसरे बंदे को भी बताया जा सके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो आइडियाज़ कन्वे किए जा सकें, उसके लिए यूज़ ऑफ लैंग्वेज का आइडिया आया ह्यूमन बींग्स को। नंबर थ्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये आइडिया आया इंसान को कि क्यों ना हम एनिमल्स को टेम करें, और वो एनिमल्स को टेम करने के लिए क्या था कि जी हेल्प इन प्लोइंग फील्ड्स, एनिमल्स जो थे उनको यूज़ किया जा जाता था कि वो हेल्प उसको करें प्लोइंग फील्ड्स में, फिर डेवलपिंग एग्रीकल्चर इनटू न्यू फील्ड एक्विजिशन, कि आपको नई चीज़ मिल गई ना कि आप अपनी मर्ज़ी से खाना उगा सकते हैं, आप उसके ग्रेन्स हासिल कर सकते हैं, आप उस वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एग्रीकल्चर से मिली, वो डेवलप हुई। फिर गेटिंग फूड, उनके जो डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की थी उसकी वजह से इंसान को मीट भी मिला और उसको मिल्क भी मिला। नंबर फोर, आर्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग स्टार्ट हो गई, और ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात है। कहाँ से स्टार्ट हुई, स्टार्टेड ऑन स्टोन्स एंड वॉल्स, आपको पता है कि जो अभी भी बहुत सारे ऐसे केव्स जो हैं वो मिले हैं, मिल रहे हैं, कि जिसमें पता चलता है कि पिक्चर्स के थ्रू, कुछ फिगर्स के थ्रू, मैथमेटिकल नंबर्स के थ्रू जो है वो चीज़ें जो हैं वो कन्वे की जाती रही हैं, और उनको लिखा जाता था वॉल्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। लेटर डेवलप्ड इनटू मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम पेपर टू डिजिटल राइटिंग। अब क्या हुआ कि अब उसके बाद फिर ये डेवलप होना शुरू हुआ, कागज़ के ऊपर आ गया, कागज़ कलम के बाद फिर डिजिटल राइटिंग आ गई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आइडियाज़ से ही हमें पता चली हैं। इन अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स
वो हमने प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात की थी, अब अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स की बात की. रसल सेज दैट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी डेवलप्ड सेवरल थाउजेंड ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट एरा बाय द ग्रीक्स. ग्रीक्स ने इसको इनिशिएट किया, मैथमेटिक्स को और एस्ट्रोनॉमी को. ग्रीक फिलोसोफर्स ऑब्जर्व्ड दैट मेन मेड गॉड्स इन देयर ओन इमेजेस, कि जो गॉड्स बनाते थे वो उसको अपने इमेज से वो उसको समझते थे और उस इमेज के अकॉर्डिंग. आपको पता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने से ही बुत परस्ती जो है वो शुरू हुई. तो उन्होंने जो बनाए थे, जो सबसे पहले जो बुत बनाए गए थे, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स थे. वो पाँच हज़रात जिनके जो है वो बनाए गए थे, बुत बनाए गए थे, और उनसे सिर्फ़ और सिर्फ एसोसिएशन की वजह से, उनसे इंस्पिरेशन लेने की वजह से वो बनाए गए थे. तो इसमें जो है वो ग्रीक्स जो हैं वो ये बताने में बिल्कुल ठीक हैं कि जी वो अपने ओन अपने इमेजेस के अकॉर्डिंग ही जो है वो गॉड्स बनाते. द ग्रीक्स ऑल्सो यूज मैथमेटिक्स इन द वॉर्स अगेंस्ट द रोमन्स. अब ग्रीक्स जो हैं उन्होंने रोमन्स के अगेंस्ट जो वॉर्स लड़ी हैं, तो उसमें भी उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूलाज को, मैथमेटिकल कोटेशंस को उन्होंने उसमें यूज़ किया अपने वेपन्स को बनाने में, अपने जो इसके अलावा जो उनके साथ फाइट करने में. आपको ये पता है कि जो रूल्स हैं कि आपके जो एंगल्स बनते हैं, अगर आप यहाँ से अगर कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो वो कितने एंगल से आप अगर उसको थ्रो करेंगे तो वो कितनी दूर जाकर गिरेगी, तो ये सब चीज़ें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से जो हैं हमारे सामने आती हैं. विच वॉज लेटर यूज बाय द फेमस मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, जिसको आपने पढ़ा होगा जब आप मैथ्स करते रहे होंगे, तो आर्किमिडीज आप पढ़ते रहे होंगे, फिज़िक्स में पढ़ते होंगे. तो दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड कैलकुलेटेड इट्स साइज. ये ग्रीक्स कर रहे हैं, उस वक्त कर रहे हैं उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अर्थ जो है वो राउंड है. यानी कि बहुत पहले की बात है कि जब ये डिस्कवर हो चुका था कि अर्थ जो है वो राउंड है, और उन्होंने साथ ही साथ उसका साइज भी कैलकुलेट किया है. वन ऑफ देम गेव कॉपरनिकन हाइपोथेसिस बट रिजेक्टेड बाय द होल वर्ल्ड. उसके बाद जो कॉपरनिकस ने, बहुत फेमस जो हमारे साइंटिस्ट हैं कॉपरनिकस, उसने एक आइडिया दिया था. वो आइडिया जो था वो कॉपरनिकन आइडिया हाइपोथेसिस जो था वो ग्रीक्स ने दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन उसको यूनिवर्सली रिजेक्ट कर दिया गया था. दे ऑल्सो एक्सप्रेस द नेचुरल लॉज इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स. फार्मूलाज, कोटेशंस, ये बड़े बड़े जो कैलकुलेशंस हैं ये सब मैथमेटिकल टर्म्स में की जाती हैं. तो उन्होंने जितने भी नेचुरल लॉज थे, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे अभी हम आज ये अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ये कुछ जो भी पढ़ा होगा तो वो उन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ा होगा, उसकी भी एक लैंग्वेज है. ठीक है जी. रसल सेज दैट मैनी फिलोसफर्स इंक्लूडिंग अरिस्टोटल प्रोपगेटेड दैट नेचुरल फिनोमिना हैव अ प्री डिटर्मिंड डेफिनेट पर्पस. ये अरिस्टोटल ने कहा कि सोच लीजिए ना, फिलोसफी है ना, दे दी कोई भी फिलोसफी थी, उसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, बट इट मिस लेट द होल वर्ल्ड विच वॉज लेटर टर्न बैक इन रिनाइसेंस एरा, कि जब इसमें चेंज आया इस थाट में. In the 17th century, many discoveries were made by Galileo, Descartes, Newton and Leibniz. वो क्या थी discoveries? Principles of dynamics आए. आपको पता है law of motion दिया Newton ने. Principles of dynamics आए. Weapons, except for atomic one, were based on them. जितने भी weapons हैं उसी से based हैं. कितने आप force के साथ उसको आप चलाएंगे तो वो कितने फोर्स के साथ जो है, और कितने मोमेंटम के साथ, कितनी स्पीड के साथ वो आगे पहुंचेगा. लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया, फिज़िक्स के लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया जो था वो एक फोर्स का और मास का एक फार्मूला था, वो उसको लेकर के प्रिंसिपल्स बनाए गए थे कि जो आपका स्टैटिक जो आपका ऑर्गेनिज्म है या जो मूविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब को लेकर के एक लॉ बनाया गया था. तो ये सब जो लॉज और प्रिंसिपल्स आए थे, दे अपोज्ड दोज हु वर द फॉलोअर्स ऑफ अरिस्टोटल एज वेल एज दोज हु हैड मेड टू जोन्स, वन बिलो मून एंड वन अबव मून. यानी उनको एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ इतना पता था कि ये जो मून है
कुछ हिस्सा इसके ऊपर है और कुछ हिस्सा इसके नीचे है, वो इसी को यूनिवर्स समझ रहे थे। साइंस गॉट सेपरेटेड फ्रॉम आइडियलिज्म एंड थियोरेटिकल फिलोसफी। रसल ने कहा कि ये है वो पॉइंट, ये है वो जगह, यानी ये है 17th century जब साइंस जो है वो आइडियलिज्म से निकल कर बाहर आई, थियोरेटिकल फिलोसफी से निकल कर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन की तरफ आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ की तरफ आई। यहाँ पर आकर साइंस जो है वो इससे डिफ्रेंशिएट हुई। इन द 19th century ये सब चीज़ें क्या हैं, आइडियाज़ हैं। इन 19th century प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ जियोलॉजी एंड बायोलॉजी अपोज्ड द क्रिश्चियन फेथ फैल्सिफाइड द आइडिया दैट द बाइबल कंटेन्स एक्यूरेट अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये 19th century में जियोलॉजी और बायोलॉजी की बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, उसमें प्रोग्रेस आई, उस प्रोग्रेस की वजह से जो क्रिश्चियन फेथ था उसको अपोज़ किया उसने, जियोलॉजी ने भी और बायोलॉजी ने भी। फिर इसके अलावा उन्होंने फैल्सिफाई किया इस आइडिया को, उन्होंने कहा जी ये रॉन्ग है ये आइडिया कि जो बाइबल है उसमें दुनिया के इब्तिदा की तमाम बातें मौजूद हैं। फिर इसमें क्या हुआ कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज आल्सो चैलेंज 19th century में। आइडियाज ऑफ इटर्नल डामनेशन, फर्स्ट फॉरबिडन फ्रूट एंड द सोल इज़ एन एक्चुअल एंटिटी वर क्वेश्चन बाय साइंस। साइंस ने इन सारों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए ये 19th century में, यानी कि जिन लोगों ने इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया उन्होंने भी आइडियाज़ आए थे। डार्विन को एक आइडिया आया एवोल्यूशन की थ्योरी, उसने बना दी 19th century में, जिसने उसको अपोज किया उसको भी एक आइडिया आया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आइडियाज़ ने उन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, आइडियाज़ ने उन चीज़ों को रिफ्यूट किया। अब ये सारे आइडियाज़ हो गए हमारे आइडियाज़ जो कि रिलेटेड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है जी, ये उससे रिलेटेड आइडियाज़ हैं। अब उसके बाद आइडियाज़ आ जाते हैं ऑन मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स। अब रसल ने सारी बातें कर दी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी थी वो बात की, अब वो मॉरल्स और पॉलिटिक्स की बात करता है। अब ये सारी बातें करके पहले वो कंक्लूड करता है पिछली वाली बातों को, ताकि आप उस पर भूल ना जाएं कि हमने उस पर क्या बातें की थी। तो जितनी भी बातें हमने आइडियाज़ पे की हैं, जो ये जितने भी हमने आइडियाज़ पढ़े हैं, जो आइडियाज़ ऑन नॉलेज एंड टेक्निक, तो उसके ऊपर जो है रसल ने अब व्यू क्या दिया है, दैट आइडियाज़ ऑफ फर्स्ट कैटेगरी अनडाउटेडली इंक्रीज्ड मैंस कंट्रोल ओवर नेचुरल फोर्सेस, बट दिस इज़ ओनली अ हाफ वे टू अल्टीमेट हेल्प। कि वो जो हेल्प वाली बात हम कर रहे हैं ना कि मैनकाइंड को हेल्प किया आइडियाज़ ने, तो वो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, यानी वो हेल्प हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए वो मॉरल और पॉलिटिक्स के आइडियाज़ की बात करेगा अकॉर्डिंग टू रसल। अब वो उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है इस बात को कि हम लो जी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, और अभी भी रसल साहब ये कह रहे हैं कि इससे ह्यूमन बींग्स को कोई हेल्प नहीं मिली। तो रसल ने कहा कि साइंटिफिक प्रोग्रेस विदाउट मॉरल एडवांस मे कॉज डिज़ास्टर टू द वर्ल्ड। कि अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस की गई लेकिन मॉरल एडवांस नहीं हुआ, आपने मॉरल प्रोग्रेस नहीं की है, तो फिर आप एक डिज़ास्टर की तरफ चले जा रहे हैं। मतलब ये मॉरल वैल्यूज़ है ना, कि आपने साइंस में एटॉमिक बम डिस्कवर कर लिया, रातों रात आप जाकर किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो ये तो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है ना बात। तो ये रसल ने कहा कि इससे मैनकाइंड को क्या हेल्प मिली, लिहाजा जब तक आपके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं आती, जब मॉरल लिमिटेशंस जब तक नहीं होती, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो आपको अल्टीमेट डिज़ास्टर की तरफ लेके जा सकती है। लिहाजा उसने वो जो आइडियाज़ बेस्ड ऑन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी थी उसने उनको ख़त्म कर दिया। अब उसने कहा रसल बिलीव्स इन टावर ऑफ बेबल। ये टावर ऑफ बेबल जो एक टावर बनाया गया, उसके बाद उन्होंने ये टावर बनाया कि हम लोग खुदा तक पहुंच जाएं, हेवन तक पहुंच जाएं, तो उसके बाद वो फिर अल्लाह पाकी करनी हुई, सब नीचे गिर गए, एक दूसरे को उन्होंने मार दिया। ये एक सिंबॉलिक डिवाइन पनिशमेंट है। तो रसल जो है वो इस पर बिलीव करता है टावर ऑफ बेबल पर, यानी कि अपने हाथों से ही बनाया और अपने हाथों से ही उसी में मर गए। तो उसने ये कहा कि साइंटिफिक प्रोग्रेस विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग मॉरल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस मे ओनली इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिज़ास्टर। अब हमने मॉरल की तो बात पीछे की है कि कुछ मॉरल लिमिटेशंस होती हैं, अब पॉलिटिकल प्रोग्रेस की बात क्या है, अब ये सारा आगे हमें वो यहाँ पर लेके जाएगा अल्टीमेटली इसकी तरफ कि किस तरह से पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है टू अवॉइड दिस डिज़ास्टर। मैन इज़ द कल्प्रिट,
अभी उसने कहा कि मैन इज़ द कल्प्रिट बट ऑल लिविंग बींग्स वुड हैव टू मीट दिस डिज़ास्टर मे बी थ्रू अ न्यूक्लियर वॉर. हो सकता है कि इंसान की गलतियों की वजह से, इंसान की इस साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से वो मतलब मॉरल वैल्यूज़ को भी भूल जाए, पॉलिटिकल लिमिटेशंस को भी भूल जाए और वो अटैक कर दे, न्यूक्लियर वॉर कर दे स्टार्ट, तो क्या होगा? सारे मर जाएंगे, जैसे उसने फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में भी बात की थी. और उसको उससे सफ़र ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स होंगे बल्कि जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ के ऊपर, वो सब के सब सफ़र करेंगे. रसल सेज दैट मैन इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू काइंड्स ऑफ वैल्यूज़. अब वो आ रहा है मॉरल वैल्यूज़ की तरफ. उसने कहा कि हर इंसान के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, एंजेलिक एंड डेविलिश. इन टर्म्स ऑफ एंजेलिक, मैन लव्स हिज फेलो बींग्स एंड ऑल अदर्स लिविंग अराउंड. यानी जितने भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सोशल वर्कर्स हैं, लोगों के लिए रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, हेल्प करते हैं विदाउट एनी एडमिट बेनिफिट्स, विदाउट एनी सेंस ऑफ बेनिफिट के किसी भी चीज़ के बारे में सोचे बगैर, सेल्फलेस होकर, तो वो जो सब चीज़ें हैं वो एंजेलिक की तरफ जाती हैं. एंड एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सल लव. ये जो इंसान जो है जब वो एंजेलिक होता है तो ही एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सल लव, प्रैक्टिसेस डेलिकेट एंड स्पिरिचुअल आइडियाज़. ये उसने एंजेलिक बात की है, एंजेलिक वैल्यूज़ की. बट व्हेन अ मैन बिकम्स अ डेविल, ही प्लेज अ ब्रूटल, क्रूअल एंड प्रेजुडिस्ड रोल. He makes use of all possible atrocities. उसकी example भी हमें देता है. वो atrocities क्या हैं? Germans on Jews. आपको याद होगा जो आपने BA की book में, जो poems में एक poem पढ़ी थी, तो वो उसमें Germans और Jews की बात हो रही थी. तो say this city has 10 million souls. तो उसकी एंड रशियंस ऑन द जर्मन्स, और रशियंस ने जो एट्रोसिटीज़ की हैं जर्मन्स के ऊपर, वो ये सारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करता है. तो मे बी बिकॉज ऑफ क्लैश ऑफ रिलीजन्स की वजह से ये सब चीज़ें आई हों, लेकिन उसने कहा कि मैन बिकम्स अ डेविल. पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अब पॉलिटिकल वैल्यूज़ की तरफ आ जाइए जी. पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑलमोस्ट प्ले सेम रोल बट बोथ आर इंटरलिंक्ड. यानी कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की क्लैश की वजह से जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी डिज़ास्टर आएगा, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. तो मॉरल वैल्यूज़ और पॉलिटिकल वैल्यूज़ बोथ आर इंटरलिंक्ड. और वो उसके इंटरलिंक होने की जो एग्जांपल्स उसने हमें दी हैं, उसने कहा कि जी अलेक्जेंडर फोर्स हिज ऑफिसर्स एंड मैन टू मैरी बारबेरियन वीमेन इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश देयर सेंस ऑफ सुपीरियरिटी. इनके जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था उसको ख़त्म करने के लिए उसने उनको ये कहा. इसी तरह से क्रिश्चियनिटी अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ ब्रदरहुड फ्रॉम स्टोइक्स. ये स्टोइक्स एक मूवमेंट थी और फिलॉसफी थी उनकी कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा अच्छा चलें. लेकिन उनके लिए क्या था कि जी पेन और प्लेजर के दरमियान उन्हें कुछ ऐसी फीलिंग नहीं होती थी. यानी उनको कुछ भी हो, दूसरों के साथ वो अच्छा करना चाहते थे. बुद्धा टॉट द सेम. उसके बाद क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश लार्ज स्केल चैरिटी इन ओपन हॉस्पिटल्स. इसमें आप अगर देखें तो आपको मॉरल वैल्यूज़ भी मिल रही हैं और आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड, या आप कह सकते हैं कि मॉरली मोटिवेटेड पॉलिटिकल स्टेप्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. जो नेक्स्ट ही सेज दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन यूज टू वर्ड्स. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, दो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, लिबर्टी एंड इक्वालिटी. और उसने कहा कि देख लीजिए इनके जो रूट्स हैं, जो इनका ओरिजिन है वो रिलीजियस ओरिजिन है. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस वाज प्रीच्ड. उस टाइम पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस प्रीच किया गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें की गई, उसको डिमांड किया गया. और वो किस तरह से बताया गया, उनको एग्जांपल दी गई कि द जो सोल ऑफ स्लेव कुड हैव इनहैबिटेड अ किंग, कि जो एक सोल स्लेव के अंदर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सोल किसी किंग के अंदर भी इनहैबिट हो सकती थी. यानी तो उसको जो बॉडी मिला है उसमें वो इनहैबिट हो गई है, उसके अंदर वो चली गई है. और ये स्टोइक्स की फिलॉसफी थी, क्रिश्चियनिटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया. ये हो गई बात इक्वालिटी की. उसके बाद आ जाती है लिबर्टी की बात. लिबर्टी कैन बी टर्म्ड इन टू वेज. अब इसमें रसल ने बहुत सारी बातें करने के बाद की जी लिबर्टी पुराने ज़माने में कैसी सोची जाती थी उसके बारे में, लेकिन उसने कहा कि जी एट द एंड उसने हमें ये दो चीज़ें बताई हैं लिबर्टी के बारे में. नंबर वन, इंटरनेशनल स्फीयर. इंटरनेशनल स्फीयर में लिबर्टी क्या है जी? फ्रीडम ऑफ नेशन फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. आप BA की अगर आप लियाकत अली खान आपको याद हो तो उसमें उसने बताया था कि जी फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन,
जो है उसको उसने लिबर्टी कहा है, और रसल ने कहा कि इंटरनेशनल स्फीयर में लिबर्टी इसी को कहते हैं। और इंडिविजुअल स्फीयर में अगर कहेंगे तो राइट ऑफ अ सिटीज़न टू प्रैक्टिस इज लेजिटिमेट प्रोफेशनल इंटरेस्ट, के जो उसका दिल करता है वो प्रोफेशन ले, जो इसका दिल करता है वो अपने काम करे, यानी उसकी मर्ज़ी है, राइट ऑफ अ सिटीज़न। अब उसके बाद रसल कहता है कि आइडियल लिबर्टी क्या है। आइडियल लिबर्टी ये है कि जो इंटरनेशनल और इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं उन दोनों के ऊपर एक चेक हो। बोथ काइंड शुड बी सब्जेक्ट टू लीगल कंडीशंस, बट नेशनल लिबर्टी मे बी एक्सेप्टेड इन एन एब्सोल्यूट सेंस, कि जो नेशनल लिबर्टी है वो कुछ केसेस में टू समहाउ इट मे बी एक्सेप्टेड इन एन एब्सोल्यूट सेंस। उसके बाद रसल ये कहता है कि चले हमने इन दोनों की बात भी कर ली है कि ये होती है लिबर्टी, उसके बाद उसने इक्वालिटी की बात भी की है। अब वो ये कहते हैं कि लॉ नीड्स एग्जिस्टेंस ऑफ अ गवर्नमेंट, लॉ जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट हो। तो एंड द वर्ड्स हैव रिजल्टेड इन क्रिएटिव पावर, क्रिएटिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट्स ओवर सिटीजन्स। और वॉर्स जो हैं वो इसीलिए लड़ी जाती हैं कि ये इस एरिया के ऊपर फलां बंदा जो है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगा, और वो गवर्नमेंट किस लिए बनाता है, वो अपने सिटीजन्स को, अपनी नेशन को उनके ड्यू राइट्स बताने के लिए, उनको देने के लिए, ताकि वो वहाँ पर फ्लरिश कर सकें और वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने ड्यू राइट्स के अकॉर्डिंग जो है लिबर्टी के साथ वो गुजार सकें। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट्स बनी जाती हैं। तो वो गवर्नमेंट्स कैसे बनती हैं, वो वार्स के थ्रू बनती हैं। और इन्हीं को रिलेट करके उसने कहा कि जो लीग ऑफ नेशंस थी वो नहीं चल सकी है, इसलिए उसके बाद यूनाइटेड नेशंस को बनाना पड़ा। द गवर्नमेंट्स हैव मिसयूज्ड द पावर टू सप्रेस इट्स ओन सिटीजन्स। उसने कहा कि जो गवर्नमेंट्स जो हैं, जब वो बन जाती हैं, पावर हासिल कर लेती हैं सिटीजन्स को उनके ड्यू राइट्स देने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो इसी पावर को मिसयूज़ करती हैं टू सप्रेस इट्स ओन सिटीजन्स, उनके अपने राइट्स को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं, उनको सप्रेस कर रही होती हैं, उनको प्रेशराइज कर रही होती हैं, उनको क्या कर रही होती हैं, किस तरह से टुडे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स आर टोटलिटेरियन विच इम्पोज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ टायरनी, के जिसके बारे में जो पुराने ज़माने के जो क्रूअल लीडर्स होते होंगे या क्रूअल पीपल होते होंगे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिस किस्म की गवर्नमेंट्स जो हैं वो इम्पोज कर रही हैं उनके ऊपर जो क्रूअल्टीज़ हैं, टायरनीज़ हैं। और इवन उसने कहा द गवर्नमेंट्स यूज टू इम्पोज सम ईवल्स सच इज़ द इन्फोर्समेंट ऑफ सुपरस्टिशंस एंड सेंक्शन बाय द क्लर्जी। फिर आ जाइए उसी के ऊपर जो हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल रबिश की, जो इसके इंटेलेक्चुअल रबिश की हमने बात की थी इसके एसे में, वही बात वो यहाँ पर कर रहा है कि बहुत सारी, और ये भी उनकी क्रूअल्टी का हिस्सा होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो क्लर्जी क्लासेस सेंक्शन करवा के कुछ सुपरस्टिशंस जो हैं उनको बाय फोर्स, बाय लॉ जो है वो इम्पोज कर रही होती हैं अपने सिटीजन्स के ऊपर। रसल सेज डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ चेक ऑन सच गवर्नमेंट्स। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं डेमोक्रेसी उन पर चेक है कि वोट किया जाता है, मर्जी से गवर्नमेंट्स लाई जाती हैं, चेंजेस की जाती हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत ये होता था कि एक गवर्नमेंट जो है वो जब जैसे ही उसके पास पावर आ जाती थी तो वो बाकी जितनी भी अपोजिंग पार्टी होती थी उन सबको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता था, बिल्कुल उनको मार दिया जाता था। और ये सब चीज़ें जो हैं वो उसने कहा कि ये डेमोक्रेसी जो थी वो एक डील थी कि जिसमें उनको कहा जाता था कि वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे। तो रसल सेज दैट डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ चेक ऑन गवर्नमेंट्स इन लिमिटेड ड्यूरेशन। डेमोक्रेसी में होता क्या, जो लिमिटेड ड्यूरेशन होता है कि इतने ड्यूरेशन के बाद जो है वो दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और उन गवर्नमेंट्स को इलेक्ट किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर होता है कि किसी भी इंसान को अगर कुछ भी किसी किस्म की पनिशमेंट देनी है तो उसके लिए एक ड्यू जो है, एक प्रॉपर जो लॉ है उसको सारे को फॉलो करना पड़ता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हर एक के लिए होता है कि वो जो चाहे रिलीजन जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड फ्री प्रेस है, ये सब जो है डेमोक्रेसी में एक प्रैक्टिस किया जाता है जी। Next, he says that Russell's threatens of an unprecedented crisis, so suggests an international government. उसने कहा कि जी अगर
अगर ऐसा हम नहीं करते, अगर डेमोक्रेसी भी चल रही है, इसके बावजूद भी हमने ये सारे आइडियाज़ की बात भी कर ली है, हमने नॉलेज और टेक्निक की बेस्ड जो आइडियाज़ थे उनको भी बात कर ली, हमने मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स की बात भी कर ली, अब वो ये सारी बातें करने के बाद वो हमें ये बताता है, थ्रेट करता हमें कि किसी भी वक्त कोई भी डिज़ास्टर आ सकता है, लिहाजा एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए. सो ही इज़ रीच्ड हिज अल्टीमेट विश, जो उसने पहले भी बात की थी फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में भी वो बात बार इसी आइडिया की बात करता है. तो समझ लीजिए कि ये भी एक आइडिया है जो कि वो फ्लरिश करना चाहता है, प्रोपिगेट करना चाहता है. और उसने कहा जी इंटरनेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए है, बट इफ़ दे डू नॉट एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑफ सम काइंड, न्यू प्रोग्रेस विल हैव टू बिगिन एट अ लोअर लेवल, प्रॉबली एट दैट ऑफ ट्राइबल सेविचरी. क्योंकि उसका ख्याल है कि अगर हम इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं तो सब लड़कर मर जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर होगी और उसके बाद या तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, और या फिर हम लोग दोबारा से उसी स्टेज पर चले जाएंगे, वही स्टेज जो थी केव्स में रहने वाली सेविजेस वाली लाइफ जो है उसकी तरफ हम चले जाएंगे, ट्राइबल सेविजरी की तरफ. ही क्लियरली सेज दैट टू रियली इंडिपेंडेंट स्टेट्स USSR एंड USA, रशिया एंड अमेरिका एग्जिस्ट, एंड द ओनली सोल्यूशन टू गेट वर्ल्डली पीस इज़ द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ टू बिग वंस. यूँ ही समझ लीजिए कि रसल ने सारी बातें करने के बाद एट द एंड वो सिर्फ अपना आइडिया ही लेकर के आया है, और वो आइडिया है सिंगल इंटरनेशनल गवर्नमेंट का, सिंगल वर्ल्ड ऑर्डर का, जो कि वो बात कर रहा था फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में भी और अभी भी उसमें बात कर रहा है जी. वेदर मैनकाइंड शैल बी प्लंज इनटू अनपैरेलल्ड डिज़ास्टर और शैल अचीव अ न्यू लेवल ऑफ हैप्पीनेस. उसने कहा कि जी ठीक है, अगर आपको मुझसे कोई थोड़ा बहुत अगर आप समझते हैं कि आप मेरी आइडिया से अग्री नहीं करते तो ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या तो आप तैयार हो जाइए एक अनपैरेलल्ड डिज़ास्टर के लिए, और या फिर आप अपना एक न्यू लेवल ऑफ हैप्पीनेस अचीव कर लीजिए. अब न्यू लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या है, एकदम से इंसान सोच में पड़ता है, रीडर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि वो न्यू लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या हो सकता है. तो रसल जो है वो सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन बताता है, वो जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है उसको डिफाइन करता है, उसको डिस्क्राइब कैसे करता है जी. सिंगल इंटरनेशनल गवर्नमेंट के क्रिएशन के बाद इट विल ब्रिंग ह्यूमन हैप्पीनेस एंड प्रोस्पैरिटी, पॉवर्टी वुड बी एबॉलिश्ड, यानी कि इंसान खुश हो जाएगा, इंतहा का खुश हो जाएगा, पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, कोई गरीब नहीं रहेगा, 4 to 5 hours वर्किंग आवर्स हो जाएंगे, नहीं डेली आप सिर्फ 4 to 5 hours जो है काम करना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, इंक्रीज इन लेजर, आप फारिग रहेंगे सारा वक्त, फिर आप खेलें कूदें पढ़ें, रसल को पढ़ते चले जाएं, तो बस यही होगा. एंड कंट्रोल ओवर डिजीजेस, डिजीजेस नहीं रहेंगी, ना तो कैंसर रहेगा, ना आपके मलेरिया रहेगा, ना डेंगी रहेगा, ना करोना रहेगा, किसी किस्म की कोई डिजीज़ नहीं होंगी. रसल ये बताना चाह रहा है सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने के बाद, सिंगल इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनाने के बाद. तो उसने कहा जी चॉइस इज़ योर्स, चॉइस इज़ ओपन टू मैनकाइंड, अब उसकी मर्ज़ी है, वेदर मैनकाइंड शैल बी प्लंज्ड इनटू अनपैरेलल्ड डिज़ास्टर और शैल अचीव अ न्यू लेवल ऑफ हैप्पीनेस. जी दिस इज़ ऑल अबाउट the essay today. Thank you very much. Allah Hafiz.